जे राजीव गांधी दे किलर्स नूं रिहा कीता जा सके फिर इस केस नूं केवल ते केवल क्योंकि ये एक सिख नाल संबंधित है ये समझिया जाएगा कि इहदे लई मापदंड वखरे हो और बलवंत सिंह राजवाना साहब वास्ते देश की सरकार ने 550 साल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ये गल कह गए सन कि इन्हां दी डेथ सेंटेंस विल बी कम्यूटेड टू लाइफ ये ऑर्डर है। इसे तरह गजेंद्र शेखावत जिहड़े यूनियन मिनिस्टर है वह तक श्री दमदमा साहब जान और जथेदार साहब नूं मिलन तो पहला उत्थे जिहड़ी रिहाई वास्ते बंदी सिंघां दे फॉर्म भरे जा रहे सी उहनूं साइन करके ये विश्वास दवाउण कि नहीं ये रिहा होने चाहिए कि ये अपमान नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भाई राज बलवंत सिंह राजवाना साहब वास्ते जिन्होंने 26-27 साल तो बाद जेल के अंदर 10x10 चक्की च बंद रहिंदिया हो गए हैं। मैं समझदा ठीक है असीं कोर्ट का सन्मान करते हैं मगर इस केस च भावें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रोहतकी साहब पेश हुए है उन्होंने बड़ी बेखूबी सारे पक्ष रखे है कि सानू ह्यूमन राइट्स वायलेशन नू मुख रखदे हां बड़े लंबे समय तो उन्हां दी मर्सी पटिशन जिहदे ते फैसला कोई नहीं आ रहा इस सारी गल्लां नू मुख रखदे हां और 26 साल जिहड़ा कि बहुत ज्यादा समा हुंदा है जेल दे अंदर बंद रहना इस सारी गल्लां नू मुख रखदे हां इस फैसले नू बड़े प्यार नाल बड़े ह्यूमन राइट्स दे पक्ष तो विचारना चाहिए। अफसोस इस गल दा है कि मौजूदा जिहड़ी केंद्र दी सरकार है उन्हां वल्लों इस दा विरोध करना सूबे दी सरकार दूजो जो रवैया इस इन्हां मुद्दियां ते वह भी साडे सारिआं दे सामने आ। अज जे बिलकिस बानू दे रेप दे जिहड़े दोषी सन जे वह रिहा हो सकदे आ गोदरा इंसीडेंट वालिआं नूं रिहा कीता जा सकदा है जे राजीव गांधी दे किलर्स नूं रिहा कीता जा सकदा है ते फिर इस केस नूं केवल ते केवल क्योंकि ये एक सिख नाल संबंधित है ये समझिया जाएगा कि इहदे लई मापदंड वखरे और बलवंत सिंह राजवाना साहब वास्ते देश की सरकार ने 550 साल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ये गल कह गए सन कि इन्हां दी डेथ सेंटेंस विल बी कम्यूटेड टू लाइफ ये ऑर्डर है। इसे तरह गजेंद्र शेखावत जिहड़े यूनियन मिनिस्टर है वह तख्त श्री दमदमा साहब जान और जथेदार साहब नूं मिलन तो पहला उत्थे जिहड़ी रिहाई वास्ते बंदी सिंघां दे फॉर्म भरे जा रहे सी उहनूं साइन करके ये विश्वास दवाउण कि नहीं ये रिहा होने चाहिए कि ये अपमान नहीं जथेदार साहब दा ते जिस तख्त ते वह साइन करके आए है। साध संगत जी ये विचारन दी लोड़ है। मैं अज भी सरकारां नूं अपील करदा बेनती करदा कि मनुखी अधिकारां दा कहान ना कीता जावे इन्हां केसां नूं बड़े सिंपथेटिकली और बड़े जेन्युइनली क्योंकि मैं बार बार कह रहा 26 साल इट इज डबल द सजा और जिन्हां ने कदे भी कोई जिन्हां चिर वह जेल च रहे उन्हां दी कोई शिकायत नहीं आई एक गुड कॉन्विक्ट वांगू गुड प्रिजनर वांगू उन्होंने आप दी ये कैद कटी है। सो जे बाकी केसा दा मैं हले 2-3 केसा दे उदाहरण ले आ जे मैं सारिआं दे लैण लगा लंबा समा लगूगा मगर अफसोस है जिवें प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर जी वास्ते अरविंद केजरीवाल साहब साइन नहीं कर रहे उन्हां दी फाइल उन्हां दी रिलीज नहीं होण दे रहे इसे तरह पंजाब दे नौजवानां दे धक्के नाल NSL आ के डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है जिहड़ी रली मिली भुगत है दोवें सरकारां दी सेंटर दी ते भगवंत मान दी सूबे दी सरकार दी असीं घोर निंदिया करदे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।